हे जो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो कॉमन गेमर चैनल किंग के साथ। तो चलिए करते हैं आज का गेम प्ले स्टार्ट। आज हम माइनक्राफ्ट में देखिए क्या से क्या करेंगे। या फिलहाल देखते रहना। और ये एक अलग सा ज़ॉम्बी दिखा है मुझे, बार बार मारे जा रहा है। तो चलिए भाई लोग, ये तो कोई बात नहीं, पहली बार देखा बट मैंने, तो फिर भी करते हैं स्टार्ट आगे का गेम प्ले। चलिए चलिए देखते हैं आगे क्या बनता है। तो इसको मैं डायमंड की पिकेट से मारने की कोशिश करता हूँ। चलो, अरे भाग जा, मर गया मर गया, मेरे को भी मार दिया इसने। तो मेरा सामान सारा खिलर चुका है। इस बिखरे हुए सामान को उठाता हूँ धीरे धीरे, जो भी है। देखो सारा घर तोड़ दिया इसने, जो छोटा सा घर बनाया था मैंने। तो कोशिश करते हैं इसको जोड़ेंगे, फिर से करते हैं इसका भी। पहले तो मेरा आज सोच रहा था मैं कि पहले एनिमल का कुछ करेंगे, लेकिन जैसे कि इसने घर तोड़ दिया मेरा, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि अभी मैं पहले इस घर का काम करूँगा सारे का सारा। क्यों करके घर नहीं तो कुछ नहीं भाई, घर सबसे पहले फिर एनिमल। तो अभी इसको मैं रिबिल्ड करूंगा अपने कास्टल को। कास्टल छोटा सा कास्टल है, कास्टल छोटा सा। तो इसको हम बड़ा बनाएंगे, इतना बड़ा बनाएंगे। तो देखते रहिए आप कितना बड़ा बनता है जी। और देखा आपने कि वो मेरा डायमंड का पिकेक्स वहाँ पे ऐसे ऐसे घूम रहा है। और देखो कितना सामान मेरा सारा गिर दिया इसने, ज़ॉम्बी ने, लेकिन उठाया भी नहीं जाएगा। क्यों करके अभी मेरा जो है बैग फुल है। बैग बोल सकते हैं इसको, बैग ही होगा, बैग में ही लाएगा सामान सारा, तो वो फुल है। इसलिए अभी क्या करते हैं, अभी देखते हैं। फिलहाल जो मैं अपने बैग में से फालतू सामान है सारा, मैं वो उसमें डाल रहा हूँ, बक्से में डाल रहा हूँ। तो बक्से में फिलहाल मैंने सामान डाल दिया, तो मैंने अपना थोड़ा सा वो उठा लेता हूँ। तो चलिए, जैसे आप देख रहे हो कि मैंने थोड़ा सा सामान उठा लिया, लेकिन अभी फिर से बैग फुल हो गया। तो मेरे को ज़्यादा सामान रखना पड़ेगा इसके अंदर, तो रखूँगा मैं। तो फिलहाल मैं सोचता हूँ कि फिलहाल यहाँ पर इसको तोड़ना शुरू करता हूँ, क्योंकि रीबिल्ड तभी होगा जब हम तोड़ेंगे। तो ये नहीं कि इतना बड़ा वो होगा कि जो मेरे पास है वुडन है, जो मेरे पास ब्लॉक पड़े हैं उसी से मैं सारा काम करूंगा। और थोड़े से मैंने इकट्ठे करने हैं, और सारे ये वुडन के ही करूंगा सारे ब्लॉक से इकट्ठे। और स्टोन के तो मेरे पास है ही बहुत सारे, भर के रखे हुए हैं। तो देखते चलिए, जैसे आप देख रहे हो कि मेरा घर तोड़ना पड़ रहा है, बहुत दुख हो रहा है। ये तो तोड़ना ही पड़ेगा, क्या करें भाई, जब तक इसे तोड़ेंगे नहीं तो नया कैसे बनाएंगे बताओ, हमको तो बहुत रोना आ रहा है। लेकिन क्या करें भाई, करना तो पड़ेगा। अभी थोड़ा सा ये यहाँ पे शांति करनी पड़ेगी, क्यों करके अभी यहाँ पे जब जगह बनेगी तभी तो मैं घर बना पाऊंगा। तो देखते रहिए आप कैसे बन रहा है घर, कैसे होगा। देखो सारे पेड़ काटने पड़ेंगे घर के अंदर, अपनी बाउंड्री के अंदर। जरूरत पड़ी तो गांव वाले के भी काटेंगे, सब के काटेंगे, चीट डालेंगे, फाट डालेंगे, काट डालेंगे। अभी देखो मेरे पास गोल्डन का सारा, उसका डायमंड का सारा कुछ है। डायमंड की पिकअक्स भी है, डायमंड का हेलमेट है, डायमंड के वेस्ट है, और शूज़ भी डायमंड के है, और वो पेंट भी डायमंड की है, सारा कुछ डायमंड का। इतने अमीर हो चुके हैं हम माइनक्राफ्ट में, तो रियल लाइफ में तो नहीं है, लेकिन माइनक्राफ्ट में तो इतने ज़्यादा अमीर हो चुके हैं, फीलिंग तो लेनी चाहिए। क्यों भाई, सही बोल रहे हैं ना। अभी मुन्ना इसको भी काट ले, ये जो जगह है इसको भी। वो ऊपर वाला तो आपने देखा, मैंने एक एपिसोड में बनाया था, देखा होगा आपने भी। इसको मैं बनाता हूँ, देखना अभी इसका क्या बनाते हैं। वैसे मेरे को नहीं लगता कि आज तक जितने भी बंदों ने खेली होगी माइनक्राफ्ट तो ऐसा कुछ बनाया होगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे पहले आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे घर तोड़ दिया ज़ॉम्बी ने, उसके बाद मेरे आइडिया है कि इसको कुछ यूनिक सा बनाते हैं, ताकि दिखने में अच्छा लगे और देखने वाले को भी अच्छा लगे। मज़ा तो आना चाहिए ना भाई, तभी फ़ायदा है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी वीडियो बना रहे हैं, इसका आपको फ़ायदा ना हो, आपको अच्छा ना लगे, आपका मनोरंजन ना हो तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। अरे भाई, आपको अच्छा लगेगा तो मुझे भी लगेगा। तो इसलिए बोलता हूँ कि जब मैं बना रहा हूँ इसको, आप देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई लोग कि हमको कैसा लगा है। तो फिलहाल देखिए, हमने बिना नीचे कुछ खंभे लगाए तो हमने ऊपर की ऊपर बना दिया है रे बाबा। तो वैसे कितनी माइंड ब्लोइंग गेम है कि नीचे कुछ नहीं है लेकिन हवा में वुडन उड़ रहा है। तो देखा आपने अभी थोड़ी देर पहले कि मैंने जो पेड़ों के मेरे पास काटे हुए थे पेड़, उसके मैंने वुडन ब्लॉक बना लिए। क्यों करके वो मेरे पास कम पड़ चुके हैं, और मैं और भी उठाऊँगा अभी। तो वो मैंने काट लिए थे, उसको मैं स्किप कर दूंगा, क्यों करके आपको पता है कि अगर मैं वो आपको दिखाने जाऊंगा तो कम से कम 5 मिनट मेरे वेस्ट हो जाएंगे वैसे, तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा कि वही पेड़ काट रहे हैं, वही पेड़ काट रहे हैं, वो निकाल रहे हैं, बना रहे हैं। तो इसलिए मैंने उसको छोड़ कर दिया सारा। तो जब मैं लेने जाऊँगा तो उसको हटा दूंगा सारा, तो सिर्फ आपको बनता ही दिखेगा भाई, बनता दिखाएंगे ना आपको। तो फिलहाल इतना ज़्यादा ठीक है, का और कर दे, और कर देते हैं थोड़ा सा। ओ नीचे लग गया, कोई नहीं, इसको बाद में करेंगे सेट, हम सेट करेंगे, सब कुछ सेट करेंगे भाई, मेहनत कर रहे हैं अभी।
तो भाई मेरा सबसे बड़ा सपना है लाइफ का कि माइनक्राफ्ट का जो मेरा कास्टल हो इतना अच्छा हो, इतना अच्छा हो कि कभी किसी ने ना बनाया हो। इतना अच्छा बनाएंगे हम, वो ब्लॉक उधर लग गया, इसको काटना पड़ेगा अभी। काट ले रे बाबा, डायमंड से काटेंगे। देखा कितनी ज़्यादा वो करते हैं, हम लक्कड़ को भी डायमंड से काटते हैं। इतने ज़्यादा अमीर हो चुके हैं, लाखों करोड़ों की संपत्ति बना रहे हैं रे बाबा। हमारी बेचारी भेड़ें भी हैं उधर, गायें भी हैं, उनको भी कुछ देखेंगे, अभी नहीं लेकिन फिर कभी देखेंगे। तो देखो जैसे मैंने नीचे चार पिलर लगा दिए, मेरे को नहीं लगता कि कोई भूकंप आए या जो भी आए जो गिर जाएगा, इसलिए हम इसको आगे लेके चलते हैं। अभी देखते हैं, अभी फिलहाल तो देखो यहाँ पे हमने अभी क्या करना है, यहाँ से हम कुछ तो करेंगे। फिलहाल यहाँ से थोड़ा सा काट लेते हैं, क्यों करके डोर की विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे जैसे डोर ज़्यादा दिखेगा तो हम ज़्यादा जल्दी आ जा सकेंगे, इसलिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं। तो फिलहाल देखिए हम नहीं किसी से कम। तो यहाँ पे मुझे अभी क्या करना है, तो नहीं ये खुदाई थोड़ी ना करनी है, यहाँ से लगाते हैं ब्लॉक और जाते हैं ऊपर, देखते हैं ऊपर से हमारा घर कैसा दिखता है। अरे बाबा जो न्यू बनाया है, अभी ये नहीं बन के तैयार हुआ कास्टल। आप सोच रहे होंगे कि बस बस नहीं रे, अभी तो पिक्चर बाकी है। अरे ट्रेलर ही देखा है आपने, वैसे ट्रेलर से पिक्चर का पता चल जाता है लेकिन कई बार नहीं चलता है। तो आप पूरी पिक्चर देखिएगा, पूरा एपिसोड देखिएगा। आई होप कि आपका मनोरंजन अच्छे से कर पाऊँ, यही मेरी उम्मीद है। अरे बाबा हमने देख कितने ब्लॉक लगा दिए हैं। अभी डायमंड का ये फायदा है कि इससे जो स्टोन है बड़ी जल्दी कटता है, लेकिन वुडन थोड़ा लेट कटता है। अभी बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, नीचे गिर गया, बताता देखो कितनी जल्दी कट गया। ये स्पीड से काम होता है। ये जो मेरा आइडिया है, मैंने किसी का कॉपी नहीं करा, किसी को नहीं देखा, किसी को कुछ नहीं करा, ये मेरा खुद का आइडिया है। अगर वो सुबह ज़ॉम्बी जब मैंने गेम स्टार्ट करी नहीं आता, वो मेरा घर का थोड़ा सा हिस्सा नहीं तोड़ता, मुझे बार बार नहीं मारता, तो ये आइडिया मेरे को नहीं आता। अभी ये आइडिया आ चुका है, फिर से मैं नीचे आ चुका हूँ, फिर से मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। भाई बार बार नीचे आ रहे हैं तो मुझे लगता है सीढ़ियाँ बनानी पड़ेंगी। मुझे जब सीढ़ियाँ बनाऊँगा तो गिरूँगा, तो मेरे को बार बार ये नहीं करना पड़ेगा ऐसे ऐसे, तो मेरे को सीढ़ियों का काम करना पड़ेगा। तो फिलहाल करते हैं, देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सीढ़ियों का काम, क्योंकि सीढ़ियाँ होंगी तभी ऊपर जा पाएंगे। तो बार बार नीचे आएंगे, ब्लॉक नहीं लगाने पड़ेंगे, तो हम यहाँ से फिलहाल जैसे लगते हैं वैसे लगा देंगे, और जो फालतू का है वो काट देंगे, क्योंकि फालतू का सामान हमारे काम आएगा बाद में। अभी देखो बाबा थोड़ी सी सीढ़ी बन चुकी है, अभी यहाँ से हम लगाते हैं इसको ऐसे करके। तो ऐसे करके लगा दिया, अभी हम और ऊपर जाएंगे, इसको और थोड़ा सा करेंगे, यहाँ से पीछे जाना पड़ेगा, अभी लग गया। तो अब बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए आज हमारा कास्टल कैसा बनता है। ऐसा कास्टल तो किसी ने नहीं बनाया होगा, मुझे लग रहा है, बाकी मेरे को पता नहीं। अब हम देखो यहाँ आ चुके हैं, अब गिरेंगे तो इधर से ही आ जाएंगे। अभी मैं देखना यहाँ पे भी लगाऊंगा, ये ब्लॉक लगा दिए है, कलरफुल ब्लॉक है, अभी इनसे देखना हम क्या बनाएंगे। तो ऊपर जाना पड़ेगा फिलहाल, तो यहाँ और ऊपर आते हैं, ये तो बाद में सेटिंग हो जाती है, लेकिन हम यहाँ पे करेंगे शुरुआत फिर से एक नई छत की। तो आप बताना मेरे को कि कैसा लगा, लेकिन आप पहले पूरा देख लेना, फिर ही बता पाओगे आप कैसा लगा ये। तो फिलहाल मैं इसको फालतू वाले को काट के इसको आगे करता हूँ, तो आप देखते रहिए। देखो हमने छत फिर से खड़ी करनी स्टार्ट कर दी है, तो जो हमारा काम है वो लगातार चल रहा है। माइनक्राफ्ट का मिस्त्री बहुत ही अच्छा है, वैसे इतनी छोटी सी गेम है बोलने को, लेकिन इसने ग्रो काफ़ी कर लिया है, तो कईयों को पसंद है। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी तो मेरे को लगा था क्या यार ये बक्से से उठाता रहता है सारा कुछ, ये ऐसा ही है। लेकिन जब दो चार बार देखा और खेला तो मेरे को लगा कि नहीं, इसमें कुछ तो है भाई, जितनी सिंपल है उतनी इंटरेस्टिंग गेम है। तो हम इसको बनाते जाते हैं रे बाबा। अभी देखते हैं जैसे कि दीवार बन रही है, आपने देखा कि ऊपर के हमने दीवार बना दिया, तो दीवार बन गई है।
अरे हमारी दीवार देखो रे बाबा, छत बोल सकते हैं इसको छत। सूर्य नीचे जा रहा है, सूर्य अस्त होने का टाइम हो रहा है। जोम्बी से नहीं मरेंगे हम क्यों करके, जोम्बी तो सारा सामान उड़ा देता है। इतनी मेहनत करके सामान लाते हैं, जोम्बी हमारा सामान खा लेता है। तो फिलहाल तो मेरे को लगता है कि आपको मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। 70% तो मैंने बेड लगा दिया है, तो जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा है कास्टल का। ये भी आपको बता दूं कि ये अभी स्टार्टिंग है, लेकिन जब हम फिर से रीबिल्ड करेंगे और बनाएंगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है जैसे मैंने पहले बताया था। तो देखते रहना, आपकी अभी तो स्टार्टअप है, मतलब कि इसका कास्टल का एक बार रीबिल्ड किया मैंने, एक बार बनाया। पहले छोटा सा रूम बनाया था, और उसके बाद मैंने जो ये बड़े वाला बनाया था, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर, हवाई महल बोल सकते हैं इसको, ठीक है, एयरबेस बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और तीसरी बार जो मैं कर रहा हूँ, मैंने वो करा था एनिमल्स के लिए बनाया था छोटा सा, वो भी वैसे ही, अभी उसको भी मॉडिफाई करेंगे। और जो फोर्थ मेरा प्रोजेक्ट है वो है ये जो बिल्डिंग है, ये फोर्थ प्रोजेक्ट है। तो अब देखते रहना कि भाई हमने फोर्थ प्रोजेक्ट बनाया है तो कितना अच्छा बनाया है। आप एक बार ज़रूर अपने रिव्यू देना क्यों करके, भाई बहुत माइंड लगता है ऐसी चीज़ें बनाने में, बहुत मेहनत लगती है। अभी ये सारे बक्से जो पड़े हैं मेरे पास, अभी इनको मैं खाली नहीं करूँगा, क्यों करके अभी मेरा जो मेन काम है बनाने का है। बनाने के बाद हम उसको फिर कभी खाली करेंगे तो सारे डब्बे वगैरह ऊपर ले जाएंगे, ताकि जोम्बी वगैरह नुकसान ना दे सके। इतनी मेहनत से जो सामान इकट्ठा करा है, तो हम धीरे धीरे ऊपर चलते हैं। तो देखते हैं भाई, ऊपर जाने का रास्ता ये मिल चुका है हमको, हम ऊपर जा रहा है धीरे धीरे धीरे, देखो ऊपर जा चुका है, हम ऊपर पहुंच गया भाई, ऊपर हम फिर से वही काम करेंगे। तो भाई ये हमारा महल है, ये महल हम किराए पे चढ़ाएंगे। कोई माइनक्राफ्ट का बंदा किराए पे रहना चाहता है तो भाई मोस्ट वेलकम है, इसका हम वेलकम करते हैं अपने घर में। अगर किसी के पास किराया नहीं है देने को, तो वो फ्री में भी रह सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। हम थोड़े जज्बाती बंदे हैं रे, हम नहीं पैसा लेंगे एक्स्ट्रा। तो देखा आपने कि मैंने ब्लॉग लगाने शुरू कर दिए, ताकि ये इसलिए लगा रहा हूँ, कई बार क्या होता है, सो के उठता है बंदा, नींद में होता है, कहीं इधर उधर चला जाए, नीचे गिर गया तो सारी हेल्थ चली जाएगी। इसलिए कच्ची नींद में क्या पता बंदे को रात को चलने की आदत हो, सोते हुए जैसे कहीं चलते हैं बीमारी होती है। तो मैं नहीं चाहता कि इसको भी नीचे जाने के बाद इसका जो दिल है धड़कना बंद हो जाए, मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इसलिए हम पूरा काम करेंगे, पक्का काम करेंगे भाई। पेंचर पक्का लगाते हैं हम जब भी लगाते हैं माइनक्राफ्ट। देखिए आपने माइनक्राफ्ट, ये मेरा घर बन रहा है, घर घर बन रहा है, घर बन रहा है, यो 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 घर बन रहा है, है, है। हम देखे भाई, साथ में हम थोड़ा सा मसाला मिक्स कर देते हैं, ताकि देखने वाले का दिल लगा रहे। दिल लगने की तो बात है भाई, दिल लगने के मेले हैं, बाकी तो सारे बेले हैं। दिल से दिल तक, दिल का रिश्ता दिल तक, यही तो बात है, बस प्यार चाहिए और क्या चाहिए, प्यार प्यार प्यार, यही तो है बस। देखिए ब्लॉग लगाते लगाते मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वो कर दिया है, इसको बंद कर दिया है। अभी फ़िलहाल मेरी 3 मंजिला बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। साइडों में ब्लॉग नहीं लगाऊंगा, साइडों में ब्लॉग इसलिए नहीं लगाऊंगा क्यों करके फिर साइड का व्यू कैसे देखेंगे भाई, इतनी ऊपर रहते हैं तो बंद थोड़ी ना करेंगे इसको। इसलिए मैंने जो ऊपर दूसरा टावर बनाया था अपना रहने के लिए, वो उसके ऊपर भी बेड वगैरह लगा रखे, इसलिए मैंने उसको भी बंद नहीं करा, क्यों करके भाई साइड का नज़ारा देखना है तो वो तो खुला ही चाहिए ना, खुली आंखों से अच्छा नज़ारा दिखता है। अभी हम थोड़ी सी लाइट लगा देते हैं, टॉर्चेस, इससे क्या होता है व्यू और अच्छा आता है, देखने में अच्छा लगता है, और रात को भी अंधेरे में टकरे नहीं खाएगा और पत्थर में बच के कहीं अपना गोडा वगैरह ना छिलवा ले। इसलिए हमें इसके लिए अभी हमें कुछ और करना पड़ेगा, क्यों करके ऊपर तो हम ऐसे जा नहीं सकते। तो फिलहाल लाइटों का काम करते हैं, फिर देखते हैं, ऊपर जाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, क्यों करके अभी हमें सामान नहीं है हमारे पास इतना, हमारे पास जो है हम उसका बेनिफिट लेंगे। तो आप फिलहाल ऐसे देखिए, जो इसमें आपको देखने का ऊपर व्यू आया वो बताना आपको कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये नहीं लगाना था, लैंप लगाने थे,
लाइटें लगानी थी, लाइटें बल्लब लगाने थे। अरे बाबा 100 बाट का बल्लब लगाएंगे। अरे ये क्या हो गया, बल्लब लगा के तो अच्छा रहेगा ना, अभी फिर से क्या हो गया था भाई, बल्लब लगाएंगे सारी और डेकोरेशन करेंगे। तो भाई देखते रहिए आप हमारा एपिसोड। तो जैसे आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे बल्लब लगा दिए, अरे बाबा बल्लब। तो फिलहाल देखते हैं हमारे पास क्या क्या सामान हम ले सकते हैं। और तो फिलहाल 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 नीचे तो कुछ भी नहीं है, ऊपर ऊपर ही है, ये नहीं चाहिए। सीढ़ियाँ ले तो सकते हैं लेकिन सीढ़ियाँ हमें चाहिए नहीं, क्यों करके जो हम खुद की सीढ़ी बनाएंगे वो ज़्यादा अच्छी होती है। ये हमको बेड चाहिए रे बाबा, क्यों करके हम हर घर में बेड लगाएंगे। बेड 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 बहुत बहुत अच्छी बात है, बेड लगाने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, हम बेड लगाएंगे। देखिए भाई तो हम इधर बेड लगाएंगे, एक तो है हमारे इधर बेड। ऊपर देखते हैं, ऊपर 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 क्या करते हैं भाई, ऊपर देखो हमारा दूसरा घर, इधर से रास्ता सीधा बन गया। अरे बाबा ये भी प्रोजेक्ट अच्छा बन गया, इधर से उधर जा सकते हैं, उधर से इधर आ सकते हैं भाई, गोल घूम के यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ हम आ सकते हैं। क्यों सही बोला ना। तो अब देखते रहिए हम कैसे घूमते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी बात है, हम जाते हैं आते हैं आते हैं जाते हैं, तो ये कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है। उधर से जाएंगे, इधर से आएंगे, थोड़ी सी लाइट इधर लगाएंगे। तो फिलहाल देखिए हम ये सारा सामान जो फालतू का सामान है जिसके अंदर कुछ नहीं पड़ा है, वो बकड़ी आ गई, मकड़ी को मारो पहले, बाकी की बात बाद में। तो ये सारा सामान हम ले लेते हैं, ये ऊपर शिफ्ट कर देंगे भाई, क्योंकि हमने घर बदल दिया है फिलहाल। तो देखिए यहाँ पे ये सारा हमने तोड़ दिया है इसको, तो ये सामान हम ऊपर लेके जाएंगे। अभी देखना भाई ये यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें खड़े होके क्राफ्टिंग करनी पड़ती है। ये उल्टा लग गया, दो दो है मेरे पास भाई, इसको भी सीधा करके लगाना पड़ेगा। इसका मुंह उधर घूम गया, अब इसका मुंह सीधा करेंगे। हमने मुंह बिल्कुल सीधा कर दिया इसका, यानी कि ये एकदम मस्त बना है। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसके अंदर क्या है, रे बाबा ये सामान फालतू है, इसको रख देते हैं। तो इसको कहाँ पे रखें, इसको हम कहाँ पे रखें रे बाबा। हमारे पास क्या चाहिए, हमको बेड चाहिए, हम बेड लेंगे अभी बेड, ये सारे बेड लेने हैं हमें फिलहाल। इस सामान थोड़ा सा रखना पड़ेगा इसके अंदर, क्यों करके बेड के लिए जगह नहीं बची रे बाबा। ये बेड का सामान भी बहुत मुश्किल से मिलता है, भेड़ें ढूंढनी पड़ती हैं और सामान ढूंढना पड़ता है, इसलिए बेड मिलता है फिर। तो मेरा सामान कहाँ गया, ये गिर गया नीचे। तो चलिए इससे बनाते हैं हम बेड। हमारे कितने सारे बेड हो चुके हैं, तो एक मैंने यहाँ पे लगा दिया कॉफ़ी कलर का, बाकी हम ऊपर जाएंगे। अब फिलहाल हमारा काम बेड लगाने का है, एक तो है, एक से मज़ा नहीं आता भाई, रॉयल ज़िंदगी जिएंगे ना अभी। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हम रॉयल ज़िंदगी जीने वाले, इसलिए यहाँ पे एक बेड, अगर कोई दोस्त मित्र आना चाहे तो आ सकता है। यहाँ पे दो बेड हो गए, जितने ज़्यादा आना चाहते हैं आ सकते हैं, हमको ज्वाइन करें, हमारे साथ रहें। हम देखो कितना अच्छा आलीशान महल बनाया है आपके लिए। और यहाँ पे हमने 3 बेड लगाने हैं, क्यों करके कई बार ज़्यादा आते हैं बंदे, तो 3 बेड लगाएंगे हम। और ऊपर हमारा पर्सनल रूम है, उसके अंदर हमारा एक और दोस्त आएगा, तो एक बेड तो लगा है, एक और लगाएंगे। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे, तो फिर से हम उधर आ गए, उधर से ऊपर से भाई नीचे जाने का क्या मज़ा आता है, अलग ही मज़ा आता है। तो फिलहाल देखते रहिए, हमार रात हो चुकी है, अरे बाबा सोना भी जरूरी है, अभी सुबह हो गई, सुबह हो गई, उठते हैं, थोड़ा सा सामान लेते हैं, चाय वगैरह नहीं मिलेगी। तो फिलहाल तो ये तो हुई भाई मजाक की बात, तो चलिए सुबह हो चुकी है और हम उठ चुके हैं और हमने थोड़ा सा सामान ले लिया यहाँ से। तो फिलहाल ये गाजरें खाएंगे क्योंकि हमारी हेल्थ जो कम हो चुकी है, कैरेट, और वो देखो मुर्गी घूम रही है, अंडा देने वाली मुर्गी, सोने का अंडा दे दे रहे, मेरे को खुदाई नहीं करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी बात है, खुदाई नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से थोड़े से ये बना लेता हूँ क्राफ्टिंग टेबल वगैरह, ये भी काम आएंगे। तो देखिए मैंने दूसरे बॉक्स बना लिए इसके अंदर सामान रखने के लिए, क्राफ्टिंग टेबल सोचा कि बाद में बनाऊंगा, क्यों करके अभी जब हम आगे लेके जाएंगे तो नीचे वाला जो सामान है तो ऊपर पहुंचाएंगे, ऊपर वाले सामान में एडजस्टमेंट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे,
फिर हम करेंगे नीचे वाले सामान को ऊपर लेके जाएंगे, है ना। ढाकिचकी डाउन डाउन। तो देखते रहिए, देखो हमने जैसे बना दिया है। बड़े भैया खाली पेट, हमारे दिमाग की बत्ती नहीं जलती रही, इसलिए हमने कैरेट खाई थी थोड़ी सी। तो हम इसको ऐसे कर देंगे, क्यों करके देखो भाई, सीढ़ियां तो बना दी है लेकिन ज़ॉम्बी सीधे आ जाएंगे। तो फिलहाल मेरे को ऐसा तो नहीं पता कि बड़े बड़े ज़ॉम्बी से बचने के लिए ये सही है या नहीं, लेकिन जो मेरा दिमाग काम करता है फिलहाल रोकने के लिए तो सही है। बाकी यहाँ पे हम कर रहे हैं थोड़ा सा इसको बंद। अभी यहाँ पे हम इसको देखो लगाते हैं, तो यहाँ पे हम लगाते हैं। ओ गलत लग गया, यहाँ पे डोर लगाना था, तो हमने डोर लगा दिया है। तो भाई डोर से अब मेरे को ये भी बताना कि अगर मैंने डोर लगा दिया तो क्या ज़ॉम्बी ऊपर आ पाएंगे या नहीं। और जो मेरा दूसरे वाला घर है वहाँ पे भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं डोर लगाऊँ, ऐसे करके बंद करा करेंगे, ऐसे करके खुला करेंगे। ये हमारे डोर लगाने का फ़ायदा है, बेनिफिट है कि हमारे से अलावा हमारी इजाज़त के बिना कोई ऊपर नहीं आ सकता। तो थोड़ी सी लाइटिंग कर देते हैं, क्यों करके लाइटिंग से ही जो हमारा घर है वो चमकेगा। तो ये पत्थर भी एक्स्ट्रा है, इसको निकाल देते हैं। तो बाकी ठीक है, ऊपर जाके देखते हैं। अरे चढ़ जा ऊपर, क्या हो गया तेरे को, रोटी भी खिला दी, अब तो चढ़ जा रे बाबा। तो देखिए जैसे हमारा बंदा ऊपर जा चुका है, और हम इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे ताकि छलांग लगाकर कोई भी ज़ॉम्बी ऊपर ना जाए। तो भाई सतरंगी कमेंट्री बताना आपको कैसी लग रही है, या फिर अच्छी लग रही है या फिर नहीं लग रही है। तो ये अच्छी बात है कि आपको अच्छी लगनी चाहिए, नहीं लग रही है तो भाई क्या कर सकते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अब देखते रहिए कहाँ से क्या होता है। फिलहाल मैंने यहाँ से थोड़ा और ऊंचा कर दिया है क्योंकि मेरे को ज़ॉम्बी नहीं चाहिए रे बाबा, मस्त लाइफ जीने का रे बाबू भाई। अभी हम इसको यहाँ तक कर देते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि ज़ॉम्बी आ पाएंगे। ये गलत लग गया थोड़ा सा। तो भाई मेरे को एक बात और बताना कि आपको क्या लगता है कि जो पबजी है कि वो अनबैन होगा इंडिया में या नहीं होगा। फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं पता, कोई बोल रहा है होगा, कोई बोल रहा है नहीं होगा, पक्का कुछ नहीं पता। आप मेरे को बताइए जो यहाँ तक वीडियो देख चुका है, तो वो मेरे को ज़रूर बताना कि भाई पबजी अनबैन हो चुका है या नहीं हो चुका है, यानी कि होगा या नहीं होगा। इन फ्यूचर हो चुका है तो अच्छी बात है, नहीं हो चुका है तो मेरे को बताना कि होगा या नहीं होगा, पता होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए भाई देखने में कैसा लग रहा है घर, बहुत मेहनत करके बनाया है, तो बताना मेरे को कैसा लग रहा है हमारा घर। तो फिलहाल थोड़ी सी टॉर्चेस यहाँ पे लगा देते हैं, क्यों करके व्यू तो हमें हर जगह से अच्छा चाहिए। फिलहाल जैसी लगती है ऊपर नीचे वैसी लगा देते हैं, व्यू की बात है भाई, दिखावा ही ज़िंदगी है, ज़िंदगी ही दिखावा है। तो फिलहाल देखिए आप यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ से देखो अब दिखाने के लिए रुका हूँ आपको, ध्यान से देखिए हमारा घर कितना अच्छा है, है ना, अच्छा है एकदम, बिल्कुल मस्त है। तो भाई लोग हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, हमारा साथ ऐसे ही देते रहना और आगे आगे हमारा जो गेम चैनल है इसको प्रमोट करते रहना, वीडियोज़ देखते रहना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में नेक्स्ट डे, थैंक यू वह।